हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोग बिहार एस टी टी कंप्यूटर साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग लास्ट दो मंथ के जब प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आपको सारा लेक्चर से वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे आएँ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद मेरे प्ले में आकर देख सकते हैं आपको एक प्ले बना हुआ होगा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के नाम से दो के नाम से बना हुआ होगा आप वहाँ जाकर मेरा सारा वीडियो देख सकते हैं अभी तक मैं टेक्निकल के लिए 41 वीडियोस ला चुका हूँ ये मेरा 42 वीडियो है मॉक टेस्ट के अलावा आपको मेरे चैनल पे इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिलेंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो लाइक करें और अगर आपको मेरे वीडियोस का मेरे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आपको पहले मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा मैं सारे के सारा क्वेश्चन का पी डी रात में अपडेट कर देता हूँ तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भले वो एग्ज़ाम कंप्यूटर का रहे या फिर ना रहे इसीलिए आपका एस एग्जाम में ये टॉपिक आपके लिए बहुत होता है इंपॉर्टेंट ये आज का पार्ट वन है मैं भी इसका पार्ट टू भी है उम्मीद करते हैं और पार्ट थ्री भी है और तो देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं वन से देखते हैं क्या कह रहा है आपका ए टर्म इन कंप्यूटर टर्मनोलॉजी इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर इज वाज बीइंग यूज्ड हम लोग कंप्यूटर में एक टर्म आता है ठीक है उस टर्म को यूज़ करते हैं हम लोग ए चेंज इन टेक्नोलॉजी टर्म के बदले हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट कहते हैं ऑप्शन नंबर बी जनरेशन कहते हैं ऑप्शन नंबर सी एडवांसमेंट कहते हैं या ऑप्शन नंबर डी ग्रोथ कहते हैं ए चेंज इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो कहते हैं जनरेशन कहते हैं तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर वन का बी हो जाएगा हम लोग बात करते हैं आप, आप जब भी खरीदते हैं कंप्यूटर को तो पूछते हैं ये आप आपका जो कंप्यूटर है ये किस जनरेशन का है इसलिए मतलब क्या है जनरेशन अगर बढ़ता रहेगा तो उसका अंदर का टेक्नोलॉजी भी चेंज होता रहेगा अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दो विथ जनरेशन बेस्ड ऑन वी एल एस आई माइक्रो प्रोसेसर आपका जो वी एल एस आई क्या होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ठीक है जो ये होता है इसमें आपको कौन से जनरेशन में इसको हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन ऑप्शन नंबर बी सेकेंड जनरेशन ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन इसका आपको ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन वी एल एस आई माइक्रो प्रोसेसर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टिंग विथ यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स एट द बेसिक कंपोनेंट आपका कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जिसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन ऑप्शन नंबर बी सेकेंड जनरेशन ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन या ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन हम लोग जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते हैं आपको फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो थ्री आप का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्कस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाड यूज़ आपका कौन सा आपका जनरेशन है जिसके अंदर आपका टाइम शेयरिंग यूज़ होता है रियल टाइम यूज़ करते हैं हम लोग नेटवर्कस यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं अगर बताना है ऑप्शन नंबर है फर्स्ट जनरेशन ऑप्शन नंबर बी सेकेंड जनरेशन ऑप्शन नंबर सी फिफ्थ जनरेशन ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन हम लोग फोर्थ के अंदर यूज करते हैं आपका रियल टाइम हो गया शेयरिंग हो गया नेटवर्क्स हो गया इस यूज़ करते हैं हम लोग फोर्थ के अंदर यूज़ करते हैं अब देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम अगर हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ को एक ही टाइम पर एग्जीक्यूट करते हैं एक ही टाइम पर उसको हम लोग यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर है प्रोसेसिंग ऑप्शन नंबर बी पैरेलल प्रोसेसिंग ऑप्शन नंबर बी सीरियल प्रोसेसिंग या ऑप्शन नंबर डी मल्टीटास्किंग अगर हम लोग सेम टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आप काम को एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम उसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर हम यूज करते हैं एट बिट को और सीरियल प्रोसेसिंग के अंदर हम यूज करते हैं एक बिट को एक बार में तो इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाइव का पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः ए टर्म फॉर साइमल्टेनियसली एक्सेस टू रिसोर्स फिजिकल और लॉजिकल ऐसा टर्म किसको कहते हैं जिसके अंदर हम लोग साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्स को फिजिकल भी और लॉजिकल भी उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑप्शन नंबर बी मल्टी टास्किंग ऑप्शन नंबर सी थ्रेड्स ऑप्शन नंबर डी कंकरेंसी तो हम लोग उसको कहते हैं कंकरेंसी कंकरेंसी क्या है कंकरेंसी की हेल्प से हम लोग सेम टाइम पे फिजिकल को भी और लॉजिकल को भी एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को इसका आपको हो जाएगा सिक्स का ऑप्शन नंबर डी अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का सात देखते हैं डैश लीड्स टू कंकरेंसी मतलब के कंकरेंसी जो आता है वो किसके बाद आता है ऑप्शन नंबर ए सीरियलाइजेशन ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी सीरियल प्रोसेसिंग ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है आपका जो कंकरेंसी आता है वो पैनालिज्म के बाद आता है मतलब कि को यूज़ करते रहेंगे तब जाके आपका कंकरेंसी अचीव हो सकता है तो सेवन का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ एम आई पी एस स्टैंड फॉर आपका जो होता है एम आई पी एस इसका फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन नंबर ए मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ऑप्शन नंबर सी मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या ऑप्शन नंबर डी मनी इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसको कहते हैं हम लोग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड आपका एग्जीक्यूट होता है इसके अंदर अब देखते हैं हम लोग एट का हो गया ऑप्शन नंबर बी अब देखते हैं हम लोग नाइन नंबर देखते हैं सिवरल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली इन आपके बहुत सारे आपका एग्जीक्यूशन जो होता है बहुत सारे आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम टाइम पर एग्जीक्यूट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर है प्रोसेसिंग ऑप्शन नंबर बी पैरेलल प्रोसेसिंग ऑप्शन नंबर सी सीरियल प्रोसेसिंग या ऑप्शन नंबर डी आपका मल्टीटास्क देखिए आपका सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी आया था जब मैंने क्वेश्चन पूछा था आपका देखिए लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है इस दोनों में फर्क ये फ़र्क है आपका कि उसमें आपका लैंग्वेज चेंज हो गया है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाएगा अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दस आर एम आई इस फॉर आपका जो होता है आर एम आई इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है तो ऑप्शन नंबर ए क्या है रिमोट मेल इन्कोवेशन ऑप्शन नंबर बी रिमोट मैसेज इन्वोकेशन ऑप्शन नंबर सी रिमेनिंग मॉडल मेथड इनकोवेशन ऑप्शन नंबर डी रिमोट मेथड इन्वोकेशन तो दस का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिमोट मेथड इन्वोकेशन ये सारे के सारे फॉर्म आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह द चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ देखिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं ना अभी कि अभी हम लोग चैप्टर को डीपली पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं लेकिन ये आपका भ्रम है अभी वो उतना टाइम नहीं है कि एक चैप्टर को आप डीपली पढ़ सकें अगर आप एक को भी पढ़ेंगे ना डीपली तो आपका दो से लेकर तीन दिन आराम से चल जाएगा फिर क्वेश्चन कब करेंगे आप उसका तो अभी के लिए बेस्ट ये है ना आपका जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सके खास कर बिहार एग्जाम के लिए जितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो सकते हैं ना आप उसे प्रैक्टिस करें ये आपके लिए भी सफिसेंट है ठीक है अब क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखते हम लोग द चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ आप चिप होता है जिसको हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो किससे बना हुआ होता है ऑप्शन नंबर ए सिलिकन ऑप्शन नंबर बी आयरन ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए सिलिकन ठीक है आपको याद रखना है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बारह पता है सिलकन क्यों यूज करते हैं दो रीजन है एक सिलिकन क्या है आपका सेमीकंडक्टर है और सिलिकन बहुत सस्ता होता है दोनों रीजन को याद रखना है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बारह द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय आपका क्वेश्चन मैंने पिछले मॉक्ट में पूछा था लेकिन उसका लैंग्वेज चेंज था आपका पहला कौन सा कंप्यूटर है पहला कौन सा आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया गया था ऑप्शन नंबर ए कोबोल ऑप्शन नंबर बी पास्कल ऑप्शन नंबर सी बेसिक या ऑप्शन नंबर डी फोक्टॉन फॉर्टॉर्न है ये पहला कंप्यूटर लैंग्वेज को डेवलप किया गया था तो बारह का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का हूँ देखते हैं तेरा क्या कह रहा है आपका द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट वॉज परफॉर्म ऑल फोर अर्थमैटिक ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन वाज नोन एज आपका पहला कैलकुलेटर जो आपको चारों का चारों अर्थमैटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए पेस्कलाइन, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड रूल ऑप्शन नंबर सी स्टेप रेकनो नेर ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अव देखिए इससे पहले यानी क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर किया है इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टेप रेकनोनेर ठीक है इससे पहले आपका जितने भी था ना कैलकुलेटर उसके अंदर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता था लेकिन आपका स्टेप रोकनेकर करके अंदर आपका साथ साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म होता है इसका दूसरा नाम क्या है लिबिंस कैलकुलेटर जिसको बनाया किसने ग्थफ्रीड लिबिंस नाम का साइंटिस्ट थे जिसने जिसको बनाया था स्टेप को जिसने बनाया था ठीक है अब वैसा दूसरे आपको इसका दूसरा नाम याद रखना है लिबिंस कैलकुलेटर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह देखते दुछ हैं द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज हम लोग क्या यूज करते हैं एक्सेल यूज करते हैं स्प्रेडशीट के लिए लेकिन सबसे पहला आपका स्प्रेडशीट का कौन सा प्रोग्राम बना था ऑप्शन नंबर ए लोटस वन टू थ्री ऑप्शन नंबर बी एम एस एक्सएल ऑप्शन नंबर सी विजी कैल्क ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अर्व आपको याद क्या रखना है जो पहला बना था आपका स्प्रेडशीट का प्रोग्राम उसका नाम आपका विजी कैल्क है हम लोग आज यूज़ करते हैं एम एस एक्सल लेकिन पहला क्या था विजी कैल्क था तो चौदह का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडर स्टोर्ड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर बिना कंपाइल हुए बिना इंटरप्रेट हुए समझ सकता है मतलब बिना ट्रांसलेट हुए समझ सकता है ऑप्शन नंबर ए बेसिक लैंग्वेज ऑप्शन नंबर बी असेंबली लैंग्वेज ऑप्शन नंबर सी मशीन लैंग्वेज ऑप्शन नंबर डी सी लैंग्वेज देखिए आप जो मशीन लैंग्वेज है ना वो वो आपका ऐसा लैंग्वेज है जिसको आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे ना तब भी आपका मशीन मतलब आपका कंप्यूटर डायरेक्टली समझ जाएगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना मशीन लैंग्वेज को लिखना आज के वो तीन थ्रू इम्पॉसिबल है मतलब मशीन लैंग्वेज क्या होता है जीरो वन जीरो वन ज़ीरो वन उसका लैंग्वेज होता है तो आप हर चीज़ को आप उस जीरो वन में देना आसान काम नहीं है इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पंद्रह का आप खोज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह देखते हैं हम लोग हर हॉलिड्स हॉलीविड्स डेवलप ए मशीन कॉल आपका हरमन नाम साइंटिस्ट हैं उन्होंने कौन सा मशीन को डेवलप किया बनाया है ऑप्शन नंबर ए पासकेलाइन ऑप्शन नंबर बी एनालिटिकल इंजन ऑप्शन नंबर बी सेंसस टैबुलर ऑप्शन नंबर डी टैबुलेटिंग मशीन तो इसका आपको जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टैबुलेटिंग मशीन को बनाया था हरमन साइंटिस्ट के द्वारा अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सोलह देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर मतलब के एड सैक वॉज इन्वेंटेड बाई आपका एड्सैक को कब बनाया गया था किसने बनाया था ऑप्शन नंबर ए आपका हरमैन हॉलिट्स ऑप्शन नंबर बी जॉन वॉन न्यूमैन ऑप्शन नंबर सी जे ए स्किल ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द व देखिए सत्रह का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो वॉन और न्यूमेन है ना इन्होंने सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं दिया था इन्होंने एक मशीन बनाया था उस मशीन का नाम है एड सैग इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर यह आपका पहला जनरेशन का कंप्यूटर है आपको याद रखना है आपको ये भी याद रखना है कि आपको हरमन ने क्या बनाया था जे एस ने क्या बनाया था और इसने क्या बनाया था हरमन का जो तो पता है टैबलेटिंग मशीन बनाया था जे जो खिल्वी साहब हैं इन्होंने आई का इन्वेंशन किया था इन्होंने आई को बनाया था अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अट्ठारह विच लैंग्वेज इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे जो, जो आपका फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है वो आपका ए उसके अंदर आता है तो ए को जो लैंग्वेज ए को हम लोग बनाते हैं वो किस लैंग्वेज की हेल्प से बनाते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रोलॉग ऑप्शन नंबर बी कोबोल ऑप्शन नंबर सी सी लैंग्वेज जो ऑप्शन नंबर डी पी इसका आप हो ऑप्शन नंबर ए प्रोलॉग प्रोलॉग एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम लोग ए को बना सकते हैं तो अठारह का आप खो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हु क्वाइंट द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जो ट्रम है ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको किसने दिया था ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बैबेज ऑप्शन नंबर बी जॉन मैकाटी ऑप्शन नंबर सी वॉन न्यूमैन ऑप्शन नंबर डी एलन ट्यूनिंग आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना जॉन मैकार ये कैसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपका ए आई वर्ड क्वाइन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले बार दिया था ये वर्ड को तो आपको हो जाएगा नाइनटीन का बी हो जाएगा जॉन मैकटी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बीस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन आपका जो होता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर उसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए आई ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब्स ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिस्टर या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अव देखिए बीस का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जो आई है आपका उसको यूज करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज करते हैं अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एक है देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इन सब में से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है ऑप्शन नंबर ए इंटेल फोर ऑप्शन नंबर बी आई बी ऑप्शन नंबर सी आई बी एम वन फोर जीरो वन जो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अब देखिए आपको एकज का आपका आंसर हो जाएगा एक एज का ए हो जाएगा इंटेल फोर जीरो जीरो फोर ये क्या आपका ये आपका है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आपका आई बी एम थ्री सिक्सटी है ये आपका ये, ये सेकेंड का है और ये आपका थर्ड का है आपको दोनों को याद रखना है ठीक है अगर आपके एग्जाम में पूछे कि आपका फर्स्ट जनरेशन क्या यूज करते थे आपको बताना है फर्स्ट जनरे यूनिवैक एड वैक एड्स है वो था फर्स्ट का था आई बी एम वन फोर जीरो वन है ना वो आपको सेकंड का है आई वी एम थ्री सिक्सटी थर्ड के मैंने यहाँ पे दोनों को आगे पीछे उल्टा नीचे कर दिया है ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बाईस हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आपका जो होता है मॉडर्न कंप्यूटर उनके फादर कौन है ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बैबेज ऑप्शन नंबर बी टेड हॉफ ऑप्शन नंबर सी एल एन ट्यूनिंग जो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द वर्ब देखिए सबको पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है चार्ल्स बैबेज लेकिन ये सबको नहीं पता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हम किसे कहते हैं इसका आपको ऑप्शन नंबर सी एलन ट्यूनिंग कहते हैं हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर ठीक है बाईस का आपको ऑप्शन नंबर सी अब देखते हैं तेईस नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इन सब में से कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑप्शन नंबर ए डेलीगेंस है ऑप्शन नंबर बी वर्सलिटी है ऑप्शन नंबर बी रेलिब्रिटी है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अवर ठीक है इसका आपको जो ऑल ऑफ द अवव आपका डिलीगेंस क्या होता है कि काम करते हुए का थकता नहीं है वर्षला वर्षला मतलब क्या होता है ये बहुत सारा अलग अलग तरह का काम कर सकता है रिलाइर मतलब क्या होता है हमें जो भरोसा हो सकता है ये काम सही से करें ठीक है इसीलिए इसका आप जो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अब अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ये आपका अच्छा क्वेश्चन है टिपिकल क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका इन सब में से कौन सा कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर बी स्पीड ऑप्शन नंबर सी वर्सटिलिटी ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटेशन देखिए इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है इंटेलिजेंस आप बोलेंगे इंटेलिजेंस कैसे हो सकता है देखिए कंप्यूटर एक मशीन है इसके बाद खुद का इंटेलिजेंस नहीं है इसको हम जो काम देते हैं वही काम करता है इसको हम देंगे नोट गिनने का काम तो ये नोट गिनेगा ये खुद से कुछ दूसरा काम नहीं करेगा इसलिए कहते हैं कंप्यूटर एक डब्बा है अगर उसको हम लोग उसके अंदर अगर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो मतलब उसके अंदर खुद का सोचने की ताकत नहीं है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पच्चीस देखते हैं हम लोग जी आई जी ओ स्टैंड फॉर आपका जो होता है जी आई जी ओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन नंबर ए गारबेज इन गारबेज आउट ऑप्शन नंबर बी गेटवे इन गेटवे आउट ऑप्शन नंबर सी गॉफर इन गॉफर आउट ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज आगे पच्चीस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गार्बेज इन गार्बेज आउट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर छब्बीस देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी आपका जो था पहला जनरेशन कंप्यूटर वो सर्किट के लिए क्या यूज करता था और मेमोरी के लिए क्या यूज़ करता था ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक कोर ऑप्शन नंबर बी आईसी एंड मैग्नेटिक मेमोरी ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम जो ऑप्शन नंबर डी आईसी एंड मैग्नेटिक कोर इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी आपका जो जनरेशन आपका जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो अपने अंदर सर्किट के लिए यूज करता था वैक्यूम ट्यूब्स और मेमोरी को आपको स्टोर करने के लिए यूज करता था मैगनेटिक मैग्नेटिक ड्रम यूज करता था छब्बीस का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सत्ताईस देखते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन आपका जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वो किस पे बेस्ड है ऑप्शन नंबर ए आईसी पे ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब पे ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिस्टर पे या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द वर्ब देखिए सत्ताईस का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वो काम करता है ट्रांजिस्टर पे जो पहला है वो काम करता है वैक्यूम ट्यूज पे जो थर्ड है वो काम करता है आईसी पे जो फोर्थ है वो काम करता है वीएलएसआई पे यूएलएसआई पे और जो फिफ्थ है वो काम करता है एआई पे अब वो पाँचों को याद रखना है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस विच लैंग्वेज वज यूज टू प्रोग्राम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो हम लोग सेकंड कंप्यूटर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर ए बाइनरी कोडेड लैंग्वेज ऑप्शन नंबर बी असेंबली लैंग्वेज ऑप्शन नंबर सी मशीन लैंग्वेज या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द वर्ब अट्ठाईस का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मतलब यूज़ करते हैं आपका असेंबली लैंग्वेज क्या होता है देखिए हम लोग जब सब पढ़ते हैं माइक्रोफोन से पढ़ते हैं ना लिखते हैं ऐड आर वन आर टू मल्टीप्लाई ए वन ए टू ये सब क्या है ये सब आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज है जिसको हम लोग मिनोमोनिक्स कोड भी कहते हैं याद रखना आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज हम लोग क्या कहते हैं मिनोमोनिक्स कोड भी कहते हैं अब देखते हैं आज का लास्ट दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ई डी एस एस सी स्टैंड फोर ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया आपको बताना है कि ई डी एच एस सी का फुल फॉर्म क्या होता है चारों चारों ऑप्शन आप देख लें बताएं इसका आंसर क्या होता है अब देखते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीस द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सी पी यू मेमोरी एंड पेरीफिरल इज कॉल्ड मतलब क्या है आपका जो सी पी यू सी पी यू है और आपका पेरीफिरल डिवाइस है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन करता है ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर करता है ऑप्शन नंबर बी मदर बोर्ड करता है ऑप्शन नंबर सी बस करता है या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मतलब इनमें से कोई नहीं करता है आपको याद रखना है आपका प्रिफरल डिवाइस है जैसे आपका प्रिंटर हो गया आपका स्कैनर हो गया और आपका सीपी मिंग हो रही है उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन काम करता है वो बस करता है बस में तीन तरह के होता है आप ये भी याद रखना है आज से मेरी वीडियो खत्म होता है मेरी वीडियो पसंद है आपको लगता है मेरी वीडियो आपको एग्जाम में काम आएगा मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे पी डी एफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा थैंक यू वेरी मच